पंजाब सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इंदौर की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए उन पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस वह पार्टी है जिसने देश को स्वतंत्रता दिलवाई है। ये महात्मा गांधी और मौलाना आजाद की पार्टी है, उन्होंने गोरों से आजादी दी थी और तुम इंदौर वाले अब काले अंग्रेजों से इस देश को निजात दिलाओगे। ये कांग्रेस देश को आजादी देने वाली पार्टी है, मौलाना आजाद की पार्टी है, महात्मा गांधी की पार्टी है, उन्होंने गोरों से आजादी दी थी और तुम इंदौर वालों अब काले अंग्रेजों से इस देश को निजात दिलाओगे। इन चोरों से, इन चोर चौकीदारों से इस देश को निजात दिलाओगे। आजादी देने वाली कांग्रेस, ये ना समझना ये स्वाधीनता तुम्हें यूं ही मिली है, हर गली इस बाग की खून पी के ही खिली है, बिछ गए वो नींव में दीवारों के नीचे गड़े हैं ये महल, अपने शहीदों की चिताओं पे खड़े हैं, अपने शहीदों की चिताओं पे खड़े हैं। अपनी वोट को छोटा मत समझना, एक छोटी सी चिड़िया जंगल की आग बुझाने के लिए जल लाती और आग बुझाती। एक कौवा बैठा था, वो कहने लगा चिड़िया रानी मैं समझता था तुझे बड़ी सियानी, तेरी चोंच में आता है इतना सा पानी, अरे क्या आग बुझेगी तेरे इस पानी से। तो चिड़िया ने कहा कौवे राजा, जंगल की आग का जब इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम बुझाने वालों में आएगा, लगाने वालों में नहीं आएगा।